दुनिया मतलब दी यो यार, मतलब होवे तो प्यार भी कर दे जालिम दुनिया दा। सदना बाही बुल बुल बोले सदना बाहु बहारा, कुछ कुछ हारिया सखिया दिल तू ओसी कदू दी मोहन गिड़िया नु गल है बंद नी ते गुल्ला जट पाउण वाली ए मैना, इन तड रंग ला के की देना चल मेरे मखना की हस के इक पल ले कर कबड़ग नजरा रखना है नाम दा चकना चल मेरे मखना। भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मी सनत में सिर्फ दो मर्द फनकार ही ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बैक वक्त गुलकारी और अदाकारी में अपनी सलाहियतों के ऐसे जौहर दिखाए कि उनका नाम हमेशा के लिए फिल्मी तारीख के सफात में दर्ज हो गया। ये दो फनकार थे आजहानी किशोर कुमार और मरहूम अनायत हुसैन भट्टी। 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा होने वाले अनायत हुसैन भट्टी बिलाशुबा एक मल्टी डायमेंशनल फनकार थे। वो प्लेबैक सिंगर, अदाकार, फिल्म साजो हदायतकार, स्क्रिप्ट राइटर, समाजी कारकुन, कालम निगार और दीनी आलिम थे। वो 1948 को कानून की तालीम हासिल करने लाहौर आए। इब्तदा में उन्होंने एमयू कॉलेज में क़याम किया, YMCA हाल में उन्होंने पहला ड्रामा स्टेज किया। उसके बाद वो इजाज़ गिलानी के साथ रेडियो पाकिस्तान लाहौर आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात मास्टर नियाज हुसैन शामी से हुई और उन्होंने उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली। लाहौर रेडियो स्टेशन से नशर होने वाले ड्रामों में वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते थे। फिर उन्हें ड्रामा निगार रफ़ी साहब ने अपने ड्रामे अखियाँ में हीरो का किरदार अदा करने के लिए कहा। मास्टर शामी ने 1949 में भट्टी साहब को बाबा जी ए चिश्ती से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें फिल्म साजो हदायतकार नज़ीर की फिल्म फेरे में चंद गाने रिकॉर्ड करने के लिए कहा। इन नगमात की बदौलत अनायत हुसैन भट्टी रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। उसके बाद अदाकारों फिल्म साज नज़ीर ने भट्टी साहब को अपनी फिल्म हीर में रांझे का किरदार अदा करने के लिए कास्ट कर लिया। उनके साथ हीर का किरदार सोरन लता ने अदा किया। भट्टी साहब को ये एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान के पहले प्ले बैक सिंगर थे। 1960 की दिहाई में अनायत हुसैन भट्टी को लोक थिएटर और गायकी से रगबत हो गई। वो पंजाब के देहात में वारिस शाह, बुल्ले शाह, मियां मोहम्मद बख्श, शाह अब्दुल लतीफ भटाई और सुल्तान बाहू का सूफियाना कलाम गाते रहे और बहुत मकबूलियत हासिल की। फिल्म साज की हैसियत से उनकी पहली फिल्म वारिस शाह थी जो 1962 में रिलीज हुई। ये फिल्म पंजाब के अजीम सूफी शायर वारिस शाह की जिंदगी और शायरी के बारे में थी। 1965 में बतौर फिल्म साज उनकी दूसरी फिल्म मूजोर रिलीज हुई। 1968 में उनकी फिल्म चल मखना सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद उन्होंने कई एक सुपरहिट फिल्में दी जिनमें सज्जन प्यारा, जिंद जान, इश्क दीवाना, दुनिया मतलब दी और जुल्म दा बदला शामिल हैं। जुल्म दा बदला ने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। अनायत हुसैन भट्टी ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए। वो पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। इसके साथ साथ उन्होंने 3 सराइकी फिल्में भी बनाई और उनमें अदाकारी भी की। उन्होंने भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले 30 फिल्में बनाई और 300 से जायद फिल्मों में अदाकारी की। अलावा उन्होंने 500 फिल्मों के लिए नगबात भी गाए। पिछले 4 अशरों से माह रमजान के दौरान उनकी अरबी जुबान में गाई हुई नात रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही है। जिन अदाकाराओं के साथ उन्होंने काम किया उनमें सोरन लता, जीनत, निगार सुल्ताना, शीरी, यास्मीन, साबला सुल्ताना, रानी, फिरदौस सलोनी, हुस्ना नीलो और खानम के नाम लिए जा सकते हैं। मुल्क के नामवर मौसीकारों जिनमें बाबा जी ए चिश्ती, मास्टर अनायत हुसैन, मास्टर गुलाम हैदर, असगर अली, मोहम्मद हुसैन, रशीद अतरे, सफदर हुसैन, गुल हैदर, तुफैल फारूकी, रहमान वर्मा और दूसरे शामिल हैं। अनायत हुसैन भट्टी 1970 के अशरे में भट्टी दा डेरा के नाम से टीवी पर म्यूजिकल टॉक शो करते रहे। ये म्यूजिकल टॉक शो 1 साल तक चलता रहा और आवाम ने इसे बहुत पजीराई बख्शी। लाहौर के एक अखबार में उनका उर्दू कॉलम कई बरसों तक शाया होता रहा। उनका दिल इंसानियत के दर्द से भरा हुआ था। 1971 में उन्होंने गुलाब देवी अस्पताल में टीबी वार्ड कायम किया। यहाँ गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता था। भट्टी साहब अपनी वफात तक इस वार्ड के लिए अतिया देते रहे। अनायत हुसैन भट्टी एक बहुत बड़ी फिल्मी फैमिली के सरबराह भी थे। उनकी तीसरी नस्ल भी इस वक्त शोबीज में है। उनके बेटे वसीम अब्बास फिल्म, स्टेज और टीवी के मुमताज फनकार हैं। पोते अली अब्बास भी एक नौजवान और बासलाहियत अदाकार हैं। एक बेटे नदीम अब्बास ने भी एक फिल्म में अदाकारी की थी। दामाद आगा सिकंदर भी टीवी अदाकार थे जो फिल्म अदाकार आगा सलीम रजा के बेटे थे। नवासे आगा अली भी एक मकबूल नौजवान अदाकार हैं। उनके छोटे भाई कैफी एक मुमताज अदाकार और हदायतकार थे जिनकी दोनों बीवियाँ गजाला और चकोरी भी नामवर अदाकाराएँ थीं। गजाला के बेटे आमिर कैफी ने भी फिल्मों में काम किया। चकोरी के एक बेटे असद कैफी भी टीवी ड्रामों में अदाकारी करते हैं।
भट्टी साहब एक जाकिर भी थे और औलिया इकराम पर तहकीक भी कर रहे थे। उन्होंने ज्यादातर पंजाबी फिल्मों के नगमात गाए। 1997 में अनायत हसन भट्टी पर फालिज का हमला हुआ। 31 मई 1999 को ये बेमिसाल फनकार और मर्द तरादार इस जाने फानी से रुखसत हो गया। बिलाशुबा उनका नाम और काम हमेशा जिंदा रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।